के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में संगोष्ठी का आयोजन, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं धर्म क्षेत्र विकास का राष्ट्रीय उन्नति में योगदान विषय पर हुआ चर्चा। संकट मोचन संगीत समारोह की पांचवी निशा में स्वरताल की अनुगुंज से गुंजित हुआ मंदिर परिसर। जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी ना करने की अपील के साथ सुबह बनारस क्लब ने चलाया जन जागरूकता कार्यक्रम। और कैंट स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में पेयजल की भारी किल्लत, यात्रियों का हाल बेहाल। और अब खबरें विस्तार से। जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी को रोकने के लिए सुबह बनारस क्लब ने जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले श्री हरिश्चंद बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने की अपील के साथ कॉलेज के छात्राओं के बीच हाथों में खाली घड़ा लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी देखने को मिल रहा है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। संस्था द्वारा आपके माध्यम से आपसे और आपके पास पड़ोस के साथ परिवार को भी पानी की बर्बादी न करने की अपील की जा रही है। आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी उनके जीवन का आधार है। हमें इस मर्म को समझना होगा, जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। हर देशवासियों को यह संकल्प लेना होगा कि वह जल संरक्षण को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने देंगे। बच्चों में जागरूकता का कार्य किया गया, जिसमें कि जल संरक्षण की बात कही गई। आजकल जो पूरे देश में अपने जल का स्तर जो है गिरता जा रहा है और जैसे कि कमी होती जा रही है, उसके लिए सबको जागरूक किया गया कि कोई भी पानी को जो है इस्तेमाल जितना ज़रूरत है उतना ही करें। जैसे सेविंग करना है तो थोड़ा मग में लेके करें, या कोई जैसे आरओ का पानी है उसमें 75% जो वेस्ट होता है उसको एक जगह कलेक्ट करके पौधों की सिंचाई में, घर की साफ सफाई में, पोछा में, गाड़ी उड़ी को धुलने के में काम ले सकते हैं। उसी तरह से जो कहीं भी अगर कोई लीकेज है घर में कुछ है तो उसको ठीक कराने की जरूरत है। कैंट स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों के लिए पेयजल की भारी किल्लत है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसी के तहत वाराणसी में भी अप्रैल के पहले सप्ताह से ही गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, जिससे आमजन गर्मी से बेहाल है। गर्मी से राहत देने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं बात करें कैंट रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए कैंट स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में पेयजल की बात की जाए तो अभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यात्रा करने आने वाले लोगों को पेयजल की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। पूरे सर्टिफिकेट इन एरिया में पेयजल के लिए केवल एक नल लगा हुआ था, जो वर्तमान समय में रोपवे के कार्य के चलते वह भी टूटा हुआ है। कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर गौरव दीक्षित ने बताया कि गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने लोगों को पेयजल से राहत दिलाने के लिए जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर पेयजल की व्यवस्था की है। वहीं कैंट स्टेशन के बाहर नल लगाने की व्यवस्था जल्दी शुरू की जाएगी तथा प्याऊ लगाने के लिए एनजीओ से बात कर 1-2 दिनों में इसकी शुरुआत की जाएगी। गर्मियों के में जो जल पानी के पीने वाले पानी की जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसको पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी स्टेशन, सभी प्लेटफॉर्मों पर जो वाटर मशीन है, वाटर बूथ है, वाटर कूलर है, सभी फंक्शनल है। इसके अलावा एक एनजीओ के थ्रू हम लोग वाटर सप्लाई के लिए भी अभी IRCTC ने टाई अप किया है, तो वो 1-2 दिन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमने यात्री आश्रय में भी एक अपना डिपार्टमेंटल काउंटर खोल दिया, जहाँ पर पैड आइटम और पीने वाला पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा IRCTC की मूविंग ट्रॉली के थ्रू भी पानी की सप्लाई की जा रही है और पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए लगातार सैंपलिंग किया जा रहा है और हर तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अब डाक विभाग डाक बांटने के साथ साथ लोगों से मतदान की भी अपील करेगा। लाखों लोगों के घर पहुँचने वाले चिट्ठी पर वोट डालने की अपील होगी।
डाकिया डाक लाया, डाकिया बैंक लाया, अब डाकिया देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लोगों को मतदान के लिए भी प्रेरित करेगा। भारतीय चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा अब डाक विभाग ने भी उठाया है। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कैंट प्रधान डाकघर में इसका शुभारंभ किया। वाराणसी परिक्षेत्र के अधीन कुल 1729 डाकघरों के माध्यम से यह बृहद अभियान चलेगा। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। एक तरफ डाकघरों के माध्यम से बटने वाले डाक पर चुनाव का पर्व देश का गर्व और वाराणसी लोकसभा निर्वाचन मतदान दिनांक 1 जून 2024 की मुहर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं डाकिया भी डाक वितरण के दौरान लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही डाकघरों में स्पीड पोस्ट व रजिस्ट्री बुकिंग, IPPB और बचत खाता खुलवाने, आधार नामांकन व अपडेशन इत्यादि तमाम कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भी डाककर्मी अपना वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री यादव ने कहा कि लाखों लोगों के घरों तक पहुंचने वाली चिट्ठियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, खासकर बुजुर्ग, युवा, महिला और फर्स्ट वोटर्स के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं तक हर हालत में जागरूकता संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने मौजूद समस्त डाक कर्मियों को मतदाता शपथ दिलाई। और अब डाकिया देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लोगों को मतदान के लिए भी प्रेरित करेगा। मतदान से हम सिर्फ सरकार को ही नहीं चुनते हैं बल्कि अपनी दिशा व दशा भी तय करते हैं। ऐसे में वोट देना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। वाराणसी परिक्षेत्र के अधीन कुल 1729 डाकघरों के माध्यम से यह मतदाता जागरूकता का बृहद अभियान जो है चलाया जाएगा। इसके तहत एक तरफ जहां डाकघरों के माध्यम से बटने वाली डाक पर चुनाव का पर्व, देश का पर्व और अन्य स्लोगन की मुहर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक बांटने के साथ मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। लाखों लोगों के घरों तक पहुंचने वाली चिट्ठियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जो है डाक विभाग के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर अर्थव्यवस्था एवं धर्म क्षेत्र विकास का राष्ट्रीय उन्नति में योगदान विषय पर चर्चा हुई। बतौर मुख्य वक्ता मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू शामिल हुए। गुरुवार को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के त्र्यंबकेश्वर सभागार में मंदिर अर्थव्यवस्था एवं धर्म क्षेत्र विकास का राष्ट्रीय उन्नति में योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा इंडिया थिंक काउंसिल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मिजोरम के महामहिम राज्यपाल के हरिबाबू थे, जो कि 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वाराणसी में आए हुए हैं। राज्यपाल ने बताया कि सनातन परंपरा में बहुदेव पूजन प्रथा और मान्यता का परिणाम है कि भक्त अलग अलग स्थानों पर अपने आराध्य दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और तीर्थ यात्रा की समस्त आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं। मंदिर की अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलता है तथा समाज के हर वर्ग को अवसर मिलता है, भले ही वह किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो। काशी मंदिर परिसर के भ्रमण के उपरांत राज्यपाल अत्यंत प्रसन्न थे। वह अपनी पहली काशी यात्रा पर आए हैं और उन्होंने कहा, काशी आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पहली बार आए हैं। महामहिम ने कहा, मंदिर की व्यवस्था और सौंदर्य अत्यधिक प्रभावशाली है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के प्रत्येक राज्य के ट्रेवल ऑपरेटर के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के टूर पैकेज का विकल्प पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इससे निकटवर्ती पहाड़ियों, जल प्रपातों, बड़ी वाटर बॉडीज एवं अन्य धर्म स्थलों इत्यादि के समेकित विकल्प के एक पैकेज में उपलब्ध होने पर और भी अधिक तीर्थयात्री काशी दर्शन हेतु आएंगे। संगोष्ठी में मंदिर के न्यासी सदस्य और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वत आचार्य जन तथा वैदिक विद्वान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन न्यास के सदस्य ब्रजभूषण ओझा ने किया। तत्पश्चात काशी महात्म तथा कॉरिडोर के विकास पर विस्तृत प्रकाश प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर जनार्दन माधव रटाटे जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। महामहिम के विद्वतापूर्ण संबोधन के पश्चात धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण ने कहा कि काशी में यह स्थापित मान्यता है कि किसी देव विग्रह की विश्व में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं पूर्ण होती जब तक उसकी अंश स्थापना काशी में न की जाए। यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 4 धाम समेत समस्त पौराणिक मंदिरों के प्राकृतिक यहां से स्थापित है।
इसी प्रकार यह भी स्थापित मत है कि किसी विद्वान की विद्वता तब तक मान्य नहीं होती जब तक उसे काशी का विद्वत समाज मान्यता न प्रदान करे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित यह विद्वत सभा निश्चय ही महामहिम को आज विद्वता के क्षेत्र में स्वीकार करती है, ऐसा सभी की प्रतिक्रिया से सिद्ध हो गया है। कार्यक्रम का संचालन इंडिया थिंक काउंसिल के निदेशक सौरभ पांडे ने किया। पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आर विजिटिंग इंडिया टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज। दैट इज हाउ वी कैन से दैट मेडिकल टूरिज्म इज आल्सो फ्लरिशिंग इन द कंट्री। मोर देन दैट, of all tourism practices, religious tourism is the most important factor which contributes to the economy in India. विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए वाराणसी में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें श्री रविशंकर शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए वाराणसी में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें श्री रविशंकर शिरकत करेंगे। 3 और 4 मई को आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर काशी में होंगे और विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी लोगों से अपील करेंगे। इस पूरे आयोजन के बारे में विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम के आयोजक हितेश जैन ने बताया कि 3 और 4 मई को श्री रविशंकर अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध प्राचीन और पवित्र शहर वाराणसी की भावपूर्ण यात्रा पर निकलेंगे। उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वाराणसी आध्यात्मिक ज्ञान और विकास पर चर्चा का संगम दिखेगा, क्योंकि ये विकसित भारत अम्बेसडर कार्यक्रम के प्रतिष्ठित बैनर के अंतर्गत 4 गतिशील कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। हितेश जैन ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान श्री रविशंकर वाराणसी के अलग अलग स्थानों पर परिवर्तनकारी चर्चाओं और पहलों में शामिल होंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान और विकासात्मक लोकाचार के मिश्रण का प्रतीक है। श्री रविशंकर लगभग 1 दशक के बाद काशी आ रहे हैं। 3 मई 2024 को वाराणसी में उद्घाटन यात्रा के दौरान श्री रविशंकर शाम 4 बजे से 6 बजे तक स्वतंत्रता भवन BHU में विकसित भारत युवा संवाद में शामिल होंगे। इस सभा में 2000 से अधिक छात्र, शिक्षाविद और संकाय सदस्य शामिल होंगे। होगा देश का हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आए और अपना वोट दे। गुरु जी का क्या होगा कार्यक्रम, कैसे रूपरेखा है? गुरु जी का जो कार्यक्रम है, 3 तारीख को उनका आगमन है, तत्पश्चात वो युवाओं से संवाद करेंगे BHU कॉलेज में। दूसरे दिन 4 बजे सुबह काशी विश्वनाथ धाम में वो दर्शन में पूजा अर्चा कर महिलाओं से संवाद करेंगे और शाम को प्रबुद्ध नागरिक से उनका संवाद होगा और उसके पश्चात संपूर्ण आनंद स्कूल में गुरुजी का संगीत और मेडिटेशन ये कार्यक्रम होगा और विकसित भारत का संवाद भी होगा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ फैसिलिटीज ऑफ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रोबोटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्केटिंग, कराटे क्लासेस, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज, यूज प्लेग्राउंड फॉर किंडरगार्टन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लैब एंड स्मार्ट लाइब्रेरी, वेल मेंटेन्ड कंप्यूटर लैब एंड क्लासेस, हाईली सिक्योर एंड GPS ट्रैक कन्विंस फैसिलिटीज, एजुकेशनल बेस्ड एक्टिविटीज यूजिंग टेक्निक टूल्स एंड इंटरेस्टिंग मेथड्स फॉर स्टूडेंट। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, सुवाहि नियर BHU हैदराबाद गेट, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है, साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल माँ गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल।
LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. Varanasi Live, Sach ke Saath. और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्रीमद् वल्लभाचार्य के 547वें प्राकट्य दिवस पर त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन 3 मई से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन गोपाल मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी व विविध आयोजन होंगे। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता में षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज ने बताया कि श्रीमद् वल्लभाचार्य के 547वें त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में संपन्न होंगे। त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव 3 मई से प्रारंभ होकर 5 मई तक चलेगा। महाराज श्री ने बताया कि 3 मई को प्रथम दिन मंगला दर्शन पूर्व पृष्टि ध्वजारोहण एवं भक्ति गार्डन का भारत में बजवाया श्री महाप्रभु जी ने का गान एवं सायंकाल सत्र में पुष्टि मार्गीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। दूसरे दिन प्राकट्य दिवस पर प्रातः मंगला दर्शन के समय श्री गिरिराज का दुग्धाभिषेक, श्री वल्लभ युवक परिषद व श्री सर्वोत्तम स्त्रोत व नाम रत्नाख्य वल्लभाष्टक सप्तश्लोकी का पाठ वैष्णवजनों द्वारा किया जाएगा। सायं 4 बजे श्री महाप्रभु जी की भव्य शोभा यात्रा श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकलकर सिद्धमाता फाटक, सोराकुआ, जौहरी बाजार व विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। सभा में श्री महाप्रभु जी का पंचोपचार, पूजन, बधाई गान, विद्वानों का प्रवचन तथा वरिष्ठ वैष्णवों का सम्मान व षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी प्रियेंदु बाबा साहब का आशीर्वचन होगा। शयन में श्री मुकुंद राय जी व श्री गोपाल लाल जी के मनोरथ के दर्शन होंगे। प्राकट्य दिवस के तीसरे दिन प्रातः 10:30 बजे समाज सेवा हितार्थ सांपनी घाट स्थित अपना घर आश्रम में षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी प्रियेंदु बाबा के नेतृत्व में अन्न वस्त्र का वितरण किया जाएगा, जिसमें आश्रम में असहाय लावारिस पान प्रभु के सेवार्थ सहयोग किया जाएगा। सायंकाल 6 बजे से भक्ति संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें षष्ठ पीठ गोस्वामी श्याम मनोहर महाराज शेखी बेटी जी रूप मंजरी जी का शुभारंभ समारोह में भक्ति भजन का कार्यक्रम होगा। हम सामाजिक कार्य के रूप में प्रतिवर्ष करते हैं। इस बार ऐसा विचार हुआ समिति का कि यहाँ ना करके जहाँ अपना घर आश्रम जो आप सम्मिलित होगा सामने घाट पर है, वहाँ जो विचार है ऐसे व्यक्ति हैं सब, उनको वहाँ अन्नदान वस्त्रदान वर्ग का कार्यक्रम प्रातःकाल सुबह 10 बजे के बाद रखा गया है। वो हमारे सुपुत्र गोस्वामी प्रियेंदु जी वहाँ जाएंगे, कमेटी वालों के साथ सरकारी महापुर करेंगे। उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम इस बार जैसे संगीत संध्या का प्रतिवर्ष रखते हैं, इस बार संगीत संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। रामनगर के पंचवटी लंका कटारिया मार्ग का निर्माण कार्य विलंब होने से क्षुब्ध लोगों ने प्रदर्शन किया।
रामनगर के पंचवटी लंका कटरिया मार्ग के निर्माण कार्य विलंब होने एवं धूल मिट्टी गर्दा उड़ने से परेशान होकर क्षेत्रीय दुकानदार एवं स्थानीय लोगों ने गुरुवार को दोपहर में सड़क जाम करने का प्रयास किया। इस बात की जानकारी होते ही मौके पर विश्व हिंदू परिषद के लोग भी उनके समर्थन में पहुंच गए। मार्ग निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था व ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा एवं कस्बा प्रभारी सब इंस्पेक्टर घनश्याम मिश्रा दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर हटाया और वहां मौजूद लोगों से पत्रक लेकर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों से बात करवाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह पप्पू, लोकेश तिवारी, अमन श्रीवास्तव, सत्यजीत विश्वकर्मा, आनंद शर्मा, रवि सिंह, आशुतोष पटेल, ब्रजेश सिंह, विश्वजीत कसेरा, राज सोनकर, सनी मुदनवाल, नीतीश श्रीवास्तव, चंदन चौरसिया, सुजीत यादव, रवि यादव, आशुतोष भट्ट आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संकट मोचन संगीत समारोह की पांचवी निशा स्वर ताल की अनुगुंज से गुंजित रहे। संकट मोचन वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह का पांचवी निशा का श्री गणेश हुआ कथक नृत्य से। कलाकार थे दिल्ली से पधारे पंडित हरीश गंगानी। इन्होंने नृत्य की शुरुआत शिव स्तुति से कर परंपरागत कथक शैली को अपनाते हुए कई आकर्षण चीजों को प्रस्तुत किया। अपने भजन भरत अभाई कवि से उरीन हम नाही में भाव अंक को दिखाते हुए तत्काल में कई टुकड़ों का प्रदर्शन कर नृत्य को विराम दिया। आपके साथ तबले पर शुभ महाराज, गायन में विनोद गंगानी, पखावज पर आशीष गंगानी व सारंग पर गौरी बनर्जी ने कुशल भागीदारी की। दूसरी प्रस्तुति में पुणे से पधारे विख्यात गायक पंडित उल्लास कशालकर ने अपनी गायकी का रंग बिखेरा। इनकी गायकी से यहाँ के श्रोता पूर्व परिचित थे, अतः इनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। इन्होंने सर्वप्रथम राग तिलक कामोद में एक बंदिश से गायन को विराम दिया। इनके साथ तबले पर ताल योगी पंडित सुरेश तलवरकर व साथ गायन में पंडित ओजस प्रताप सिंह ने संगत के माध्यम से पूरा सहयोग किया। तीसरी प्रस्तुति में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया ने बांसुरी वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन्होंने वादन की शुरुआत राग जोग में किया, जिसके अंतर्गत रूपक में विलंबित अद्वा ताल में मध्य लय व तीन ताल में द्रुतकारी से राग जोग को विराम दिया। तत्पश्चात पहाड़ी में एक धुन से प्रस्तुति को विराम दिया। इनके वादन में एक अलग आकर्षण रहा। आपके साथ तबले पर सहभागिता की लंदन से पधारे पंडित संजू सहाय ने एक आकर्षणीय प्रस्तुति रही। चौथी प्रस्तुति में हुगली से पधारे पंडित जयतीर्थ मेंजुडी का गायन। आपने राग माल कौंस में ख्याल अंग की गायकी प्रस्तुत की। झुमरा निबद्ध विलंबित बंदिश के पश्चात तीन ताल में द्रुत बंदिश गाकर माल कौंस को विराम लगाया। इन्होंने गायन को विराम दिया दो भजन से। आपके गायन में किराना घराने की तमाम वह चीज सुनने को मिली, जिसके लिए यह घराना शीर्षस्थ है। इनके साथ तबले पर पंडित केशव जोशी व संवादिनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्र ने गायन के अनुकूल सहभागिता की। पांचवी प्रस्तुति में हैदराबाद से पधारे विख्यात मृदंग वादन डॉक्टर यल्ला वेंकटेश्वर राज ने मृदंगम वादन कर श्रोताओं में आनंद का संचार दिया। आप तो इस दरबार के जाना पहचाना चेहरा के साथ ही वादन के क्षेत्र में पसंदीदा कलाकार है, अतः इनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने कई छंदों को बजाकर अपने वादन को विराम दिया। पांचवी निशा की छठवीं प्रस्तुति में पिता पुत्र की जोड़ी ने मंदिर प्रांगण में स्वरों की बारिश कर दी। मुंबई से पधारे पंडित नयन घोष ने सितार व पुत्र नयन घोष ने तबले पर शानदार प्रस्तुति दी। सर्वप्रथम राग भाटियार में आला पचारी के पश्चात तीन ताल में गतकारी कर प्रथम अध्ययन को विराम देकर राम रमकेली में गतकारी से वादन को विराम दिया। श्रोताओं की फरमाइश पर इन्होंने चैती बजाई। इनके तबले पर ईशान घोष की संगत बेमिसाल रही। अंतिम प्रस्तुति में प्रयागराज से पधारे श्री ऋषि वरुण मिश्र ने युगल गायन प्रस्तुत किया। इन लोगों ने राग बसंत मुखारी में दो बंदिशे एक ताल व तीन ताल में गाने के पश्चात कई भजनों से गायन को विराम दिया। इन लोगों के साथ तबले पर प्रशांत मिश्र ने जोरदार संगत की। संवादिनी पर अनुराग मिश्र व संवादिनी पर विनायक सहाय ने सारंगी पर गायन के अनुकूल कुशल भागीदारी निभाई।
घाट संध्या कार्यक्रम में अभेद अभिषेकी के गायन व कौशिकी महिती के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोहा। घाट संध्या कार्यक्रम गुरुवार को दो चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पूना के युवा कलाकार अभेद अभिषेकी ने गायन का शुभारंभ शिव स्तुति पश्चात कबीर दास द्वारा रचित भजन आगे चलो कोई पथ नहीं सूझे बिना सदगुरु अपनो नहीं कोई जैसे सुंदर भजनों को सुरीली रसीली स्वर के माध्यम से दर्शकों के हृदय को संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंकज राय एवं हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय उपस्थित रहे। दूसरे चरण में वेस्ट बंगाल कोलकाता के कलाकार कौशिकी महिती ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की अद्भुत अलौकिक एवं अप्रतिम प्रस्तुति के साथ में घुंघरू के झंकार एवं माँ गंगा की लहरों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र राजयोगिनी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी एवं चंदा दीदी ओमकार नाथ उपाध्याय डॉक्टर वीरेंद्र केसरी डॉक्टर रामशंकर श्रीमती मोनिशा केसरवानी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। सच के साथ।